क्या कर रही है पीहू यहाँ पे? मम्मी की हेल्प कर रही है पीहू। अच्छा, पैकिंग करवा रही हो? कल पीहू कह रही थी मैं पैकिंग करवाऊंगी, है ना? क्यों, कैसे करवा रही हो? नहीं पता क्यों, मतलब क्या कर रही हो, हेल्प में क्या कर रही हो? पकड़ रही हो? अच्छा, मम्मी बैग में रखेंगी और तुम पकड़ रही हो बैग। मम्मी कर लेंगी कह रही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कर लो तुम हेल्प। इतना महीना में डाल लगता है ना? वो तो है। बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आ जाओ, मैं नहला देती हूँ। नहीं कर रही हूँ, वादा तो वादा, वादा तो वादा है। नहीं चलो आ जाओ, उसके बाद ना होगी। अच्छा। कौन प्रोटीन? मशेरी खाना बंद करो। ये गाना थोड़ी ना लगा है इनका, किसी और का बज रहा है। पापा जी के आपके नंबर में? ये तो हमारे वहाँ की है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपने सुबह देखा पैकिंग वगैरह चल रही थी, पीहू साथ में ही लगी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी बज रहे हैं 3:15 और मैं यहाँ पे खाना ले जाने वाला खाना बना रही हूँ, मतलब जो मम्मी पापा ट्रेन में खाना लेके जाएंगे वही। तो मिक्स वेज बनाऊंगी, साथ में पराठे और दही रहेगा ले जाने के लिए खाने को। तो वही मैं यहाँ पे सब्जियाँ कट वगैरह कर रही हूँ। वर्मा जी भी इधर ही घूम रहे हैं, एक्चुअली वो थोड़ा बाहर जा रहे थे क्योंकि अभी ना बारिश हो गई है दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ एकदम से अचानक से ठंडक बढ़ गई है। तो अभी ठंडक की वजह से स्वेटर वगैरह भी नहीं है ना, मम्मी पापा जब आए थे तो गर्मी थी, बारिश था, तो स्वेटर वगैरह भी नहीं है वूलन्स। तो वही अभी वर्मा जी जा रहे हैं पापा जी के साथ उनको जैकेट या स्वेटर दिलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बस फटाफट से सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ। आज वर्मा जी सुबह सब सब्जी वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ले करके आए थे और यहाँ पे वर्मा जी का किसी का कॉल आ गया था तो वही वो यहाँ पे बात कर रहे थे। सुबह हम लोगों का लंच वगैरह तो सब हो ही गया था, कुक आंटी आई थी उन्होंने बना दिया था। और ये देखिए यहाँ पे बस मैंने गोभी निकाला है, शिमला मिर्च मटर सब कुछ है, वो सब कुछ मिक्स करके ही मिक्स वेज बनाऊंगी। आज मैंने क्या सोचा ना, पहले अच्छे से गोभी को वॉश करके उबाल के और फिर उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तो टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ले जाना है खाना तो थोड़ा ले जाने वाला थोड़ा सा अच्छा सा बनना चाहिए ना रास्ते में खाने के लिए। अभी तो 3 बज रहे हैं और खाएंगे शाम को 8 बजे करीब, तो 8-9 बजे, इसीलिए तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाना स्टार्ट किया। बट मैं ना पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट से काम कर रही थी, ईरा अंदर सो रही थी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दिया था। और वर्मा जी यहाँ पे कुछ तो कर रहे थे।
तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से भून लिया है और मसाले वगैरह डाल करके अब मैं इसको थोड़ी देर पका लूँगी जब तक आलू नहीं पक जाते। और यहाँ पे वर्मा जी नीचे जा रहे थे गाड़ी से मम्मी पापा को, पापा जी को स्वेटर वगैरह दिलाने, तो आधा सामान भी रखने के लिए साथ के साथ ही ले जा रहे हैं। सामान पहले ही रखने जा रहे हो। तो पीहू का भी बहुत मन था साथ में जाने का, तो वो भी चली गई है। तो पापा जी, वर्मा जी और पीहू गए हैं और अब मैं सब्जी तो मैंने छौंक दी थी, वो पक गई है, उसके आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं यहाँ पे फटाफट से पराठे बना दूँगी क्योंकि पराठे ही साथ में लेके जाएंगे इसलिए। और मैं सोच, तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया है पराठे बनाने के लिए, देसी घी के पराठे बनाऊँगी। और ये मैं काउंटर टॉप जो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ बनाने से पहले। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था कि दी आप स्लैब पे मत बनाया करिए रोटी बनाने के लिए, चकला या होलसा क्या बोलते हैं आप लोग, वो ले लीजिए। एक्चुअली मेरे पास है बट वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लकड़ी का था, मम्मी लेकर के आई थी फतेहपुर वाली मम्मी, बट वो अभी ना मेरे को ठीक कम्फर्टेबल नहीं हो रहा है, तो मुझे ये स्लैप ही ज़्यादा इजी पड़ता है, तो मैं इसमें ही रोटी पराठा जो है वो बना लेती हूँ। तो खाना बन चुका है एंड साथ में पैक भी हो गया। उसके बाद मैं किचन यहाँ पे क्लीन कर दे रही थी, अभी ईरा सो ही रही थी तो फटाफट से किचन भी क्लीन कर रही हूँ। और अभी तक वर्मा जी लोग आए नहीं हैं, निकलना भी है 5:15 बजे एंड अभी 5 बज रहा है, 5:30 बजे तक बोल रहे थे निकलेंगे, सो बस वो लोग जल्दी जल्दी आएँगे और फिर फटाफट से निकलना रहेगा, नहीं तो फिर एक्चुअली ट्रेन जो है ना वो बोरीवली से है तो जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसीलिए। बारिश का टाइम हो रहा है तो बस पापा जी लोग आ गए हैं स्वेटर लेकर के और 4:30 बज रहे हैं जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। अब बस यहाँ पे चाय पिया जा रहा है, चाय पी करके अब बस निकलने का टाइम हो चुका है एंड ईरा भी जग गई है, उसको मैंने गोद में ले रखा है। चलो चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो रॉकर पापा जी देखे पाए थे वो उसका छोटा उसके लिए बुलेट में डाल दियो भाई साहब, अब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। नमस्ते करो, नमस्ते। अच्छी बुद्धि दे पिगी बैग में डाल दो। नहीं,
छह बज गए क्या लेना है? और ये सामान अभी एक और वहाँ पे बैठ बेहद हैवी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान हो गया था, 4-5 बैग। तो वही सब, पहले तो 3 बैग चले गए थे और अभी यहाँ पे भी ये 2 बैग हैं। तो इस तरह से हो ही जाता है सामान कहीं आओ जाओ तो। थोड़ा सा बंद करो, ऐसे मत करो टीवी, थोड़ा सा आवाज़ बंद। चलिए नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी, नमस्ते करो, बाय। अच्छे से रहना है, क्या नाम आपने, खूब पढ़ना है। रख दीजिए, लिफ्ट आ जाए तब। अभी दिखेंगे, ये देखो दादू आ गए। मेरे फोन में दिख रहे हैं? हाँ, ये देखो मम्मी दिखेंगे, ये डैडी आए, रेड है ना। ये देखो दादू हैं, मम्मी शेड के नीचे हैं, डैडी कार लेने गए। तो वर्मा जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और ये देखिए इधर मम्मी पापा हैं, इधर से गाड़ी जो है वर्मा जी लेकर के आए घुमा करके। तो बस अब यहाँ पे ये लोग बैठ जाएंगे और फिर बोरीवली से ट्रेन है 7 बजे की, तब तक पहुँच जाएंगे, 7:15 की है एक्चुअली। तो यहाँ पे बस बैठ रहे हैं। जा, अच्छा अच्छा जा रही हो, चलो बाय 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 काव्या। तो बस मम्मी पापा जा चुके हैं, घर एकदम खाली हो गया था। पीहू बहुत बोर हो रही थी तो मैंने उसकी फ्रेंड काव्या को बुलाया था, थोड़ी देर वो लोग खेले 1.5 घंटे तक, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डिनर प्रिपेयर कर दिया था। तो पीहू को मैं यहाँ पे खिला रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद में, और ईरा को भी इधर ही बिठा लिया था। तो हम सब लोग इधर बैठे हुए हैं, पर मुझे अभी तक आए नहीं हैं छोड़ करके। चलो अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ, एंड मिलूँगी कल आपको दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड इसी